अस्सलामुअलैकुम, आपकी दुनिया पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है, तो इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने एक खतरनाक अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल ईद के बाद कुछ खतरनाक होगा। ऐसी क्या खतरनाक चीज होने वाली है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना था कि कल पूरे पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की नमाज के बाद एक खतरनाक तूफान आने वाला है, जिसके बाद बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि इंशाल्लाह उम्मीद है ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है और ये बारिश सुबह 9 से दोपहर के 2 से 3 बजे तक जारी रह सकती है। और महकमा मौसमियात का कहना था कि हो सकता है इसी दौरान बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो तूफान आएगा उसकी वजह से बिजली के खम्भे वगैरह भी गिर सकते हैं। तो महकमा मौसमियात ने तमाम पाकिस्तानियों से एहतियात करने की गुजारिश की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल बारिश होगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। हम इंशाल्लाह इस तरह के एक और वीडियो के साथ जल्द आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।